हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपका पेशाब पीला आता है तो यह किस बीमारी के कारण होता है और इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ऐसे में आपको क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं कि पेशाब का रंग आपके हाइड्रेशन लेवल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं या कितना पानी नहीं पीते, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका पेशाब कितना साफ है, कितना दुर्गंध रहित है या कितना बदबू वाला है। दोस्तों, आप समझिए कि पेशाब के जरिए शरीर के टॉक्सिन्स पदार्थ बाहर निकलते हैं, आप सब जानते हैं। और पेशाब का रंग जब हल्का पीला होता है तो यह नॉर्मल माना जाता है और कई बार पानी की कमी की वजह से भी पेशाब का रंग पीला हो जाता है तो ये सामान्य बात है। लेकिन दोस्तों, अगर पेशाब का रंग अन्य किसी रंग का है, यानी पीले के अलावा कभी लाल रंग का पेशाब आता है या फिर हरे रंग का पेशाब भी आता है या फिर हल्के गुलाबी रंग का या नारंगी रंग का पेशाब हो, तो भूल करके भी इस समस्या को अनदेखा ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, बात करते हैं पेशाब के ज्यादा पीले आने के कारण की। तो सबसे पहला कारण है कि कम पानी पीना। मैं आपको बताऊं कि जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो इस स्थिति में पेशाब का रंग पीला हो सकता है और खासकर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है और एक्सरसाइज करने के बाद पेशाब पीला हो जाता है। दोस्तों, बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में पानी की पर्याप्त मात्रा पिए, शरीर को हाइड्रेटेड रखें। फिर दोस्तों, दूसरी वजह हो सकती है कि दवाइयों का सेवन कर रहे हो आप। जब आप लगातार दवाइयां खाते हैं तो आपका पेशाब का रंग पीला होना एक सामान्य बात है और इसके लिए जब भी आप कोई दवा खाएं तो खूब सारा पानी पीजिए, इससे जरूर आपको फर्क पड़ेगा। और दोस्तों, अगर पेशाब करते समय आपको जलन महसूस होती है तो इस स्थिति के बारे में डॉक्टर से जरूर बात कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। फिर अगले कारण की बात करें दोस्तों, कि खान पान हमारा कैसा है, उससे भी इस बात पर असर पड़ेगा कि हमारे पेशाब का रंग कितना पीला है। आप समझिए कि जो भी हम खाते पीते हैं उसका असर हमारे यूरिन के रंग पर सीधे तौर पे पड़ता है। खास तौर पे बाहर की चीजें खाना, जैसे कि जंक फूड खाते हैं या डिब्बा बंद फूड खाते हैं, तो उसमें मौजूद जो कृत्रिम रंग है, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, वो पेशाब के कलर को पीला या फिर गहरा पीला कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे खाने में जब विटामिन बी सी और विटामिन B12 की मात्रा अधिक हो तो इससे भी हमारे पेशाब का रंग कहीं ना कहीं पीला हो सकता है, तो ये सामान्य बात है। ऐसे में दोस्तों, बेरीज, टमाटर, चुकंदर, शकरकंद और ब्रोकली आदि सीमित मात्रा में खाएं, और अगर खा रहे हैं तो पानी की मात्रा पर्याप्त लें। फिर दोस्तों, अगला कारण है कि कुछ बीमारी अगर हो गई है तो उससे भी आपके पेशाब का रंग पीला हो सकता है। यानी अगर आपको पीलिया है या फिर ब्लैडर में कोई संक्रमण है और किडनी में इन्फेक्शन है या लीवर की कोई समस्या है, तो ये सभी ऐसी समस्याएं हैं दोस्तों जिससे सीधे तौर पे हमारे पेशाब का रंग पीला हो सकता है। तो इसमें चिंता की बात नहीं है, बस अपनी बीमारी को ठीक कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।